हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की बहुत ही चटपटी सी स्वादिष्ट सी चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं कच्चे आम जो वजन से लगभग आधा किलोग्राम है। इन आम को काफ़ी अच्छे से मैंने धोकर सुखाकर और फिर छील लेना है। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, मैं सभी आम को इसी तरीके से छील लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी आम काफ़ी अच्छे से छिल चुके हैं। अब सभी आम को हम काफ़ी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर जो है ना, हम थोड़ा मोटा साइज़ वाला लेंगे, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अगर हम बहुत बारीक लेंगे तो हमारे जो आम के लच्छे हैं बहुत अच्छे से नहीं निकलेंगे, बहुत बारीक बारीक निकलेंगे और जब हम आम को पकाएंगे तो वो घुल जाएंगे। यहाँ पर सभी आम को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। आम जो थे हमारे वजन से 500 ग्राम थे, यानी आधा किलो थे, तो इसके अंदर हम चीनी 250 ग्राम के आसपास ऐड करेंगे। इस तरीके से मैं 2 कप भर के मेज़र करके डाल रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुड़ जो है वो इस तरीके से ग्रेट करके डाल रही हूँ। गुड़ हम यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो चटनी है उसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहो तो गुड़ को इस तरीके से ग्रेट कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका जो कि मैं चाकू से काट के ही कर रही हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से गुड़ को काट लें या फिर ग्रेट कर लें। गुड़ को काट लेने के बाद हम तीनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि आम के साथ गुड़ और जो चीनी है बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और जो हमने गुड़ चीनी और आम जो है मिक्स करके रखा है उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर हमने इसको लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है जिससे कि जो इसका कलर है बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा और गुड़ और चीनी एकदम पिघल जाएंगी। हमने इसको बहुत पतला नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी इसके अंदर पानी या फिर कुछ और चीज़ नहीं ऐड करेंगे। बस इन तीनों चीज़ों को ही चलाते हुए इस तरीके से पका लेंगे। जब तक कि ये तीनों चीज़ें पक रही हैं हम एक प्लेट के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सूखे मसालों में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए गैस पर चलाते हुए। मसाला जो है काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको ठंडा कर मिक्सी जार के अंदर डाल के पल्स मोड पे थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। मसाला काफ़ी अच्छे से पीस चुका है। इतनी देर में गुड़, चीनी और आम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे कि जो हमारी चटनी है उसमें बहुत चटपटा सा फ्लेवर आएगा। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। इसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था 1 चम्मच वो मसाला। काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। और ये मसाला मिक्स करने के बाद लगभग हम इसको 5 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद जो हमारी चटनी है उसका कलर कितना बढ़िया निकल कर आया है, क्योंकि जो मसाले हैं वो भी पक चुके हैं और अपना कलर छोड़ चुके हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट जो छुंदा है, या आप चटनी बोल सकते हो कच्चे आम की, बनकर तैयार हो गई है। वैसे इसको पंजाबी में आम का छुंदा बोलते हैं और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसको एक बार बनाकर 1-2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं कांच की बॉटल में। अब हम इस चटनी को चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। आप इसे किसी कांच की बॉटल के अंदर लगभग 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।
ये जो चटनी है हमारे खाने के जायके को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी फ्रेंड्स। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ दे सकते हैं। आप इसे अपने लंच में या फिर डिनर में सब्जी के साथ अपने खाने के साथ ऐड कर सकते हैं और अपने जो खाना है उसका जायका बढ़ा सकते हैं। तो तीनों फ्रेंड्स कितनी आसान सी ये चटनी की रेसिपी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा बुरा कैसा भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।